इंटरनली चैलेंज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। एक्सटर्नली जो चैलेंज होते हैं उनको आप किसी ना किसी तरह से फेस कर जाते हैं, उनसे आप स्ट्रगल कर लेते हैं, लेकिन जो आपके अंदर चैलेंज चल रहे होते हैं दोस्तों वो सबसे भयानक होते हैं, क्योंकि वो ऐसे भयानक जिसे हम कह सकते हैं चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग गलत स्टेप ले लेते हैं, कई लोग बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, कई लोग, यानी कहने का भाव है जो इंटरनल हमारे अंदर चैलेंजेस होते हैं ना वो सबसे डेंजरस होते हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात को, जिंदगी के सफर में आपको ये इंटरनली चैलेंज जो आएंगे ये हर सेक्टर में आएंगे। आप जॉब कर रहे हैं आज की तारीख में, ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनके अंदर चैलेंज चल रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे कि आने वाले टाइम में मेरी जॉब का क्या बनेगा, मेरे परिवार की इनकम का क्या बनेगा, मैंने जो लोन ले रखा है उसको मैं किस तरह से उतारूंगा। आज बहुत सारे लोगों की नौकरियां जो है वो चली गई, यानी कहने का भाव जो अंदर ही अंदर हमारे चैलेंज चल रहे होते हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे अंदर ये चैलेंजेस चलने शुरू हो जाते हैं। हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, और हमारे अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अब मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछ के देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अंदर से एक बार अपने आप से जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको अंदर से एक आवाज आएगी, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे से प्रोडक्ट लोग लेंगे या नहीं, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट महंगे या लोग मना कर दें, है ना। ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस जो हैं ये इंटरनली हमारे अंदर चल रहे होते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, यार कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मैं अपने दोस्तों से जब बात करूंगा तो दोस्त मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ये इंटरनली चैलेंज जो होते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा पर्सन जुड़ जाता है हमारे साथ और उसके बाद आप उसको फोन कॉल करते हो, आपका फोन उठाना बंद कर देता है। हाँ, वो आपसे बातचीत कर रहा होता है, आपको फेस से लगता है कि यार यस ये तो करेगा चलेगा, लेकिन आपने देखा कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, और उसके बाद उसने फोन कॉल करना बंद कर दिया। आप फोन करते हो तो फोन का जवाब नहीं देता, आप मैसेज करते हो उसका जवाब नहीं देता है, आप बोलते हो मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में नहीं आता। वो किस चीज का इफेक्ट हुआ? तो दोस्तों उसके अंदर जो इंटरनली चैलेंज चल रहे थे वो उसके ऊपर हावी हो गए, उसने उसको बाहर नहीं निकलने दिया, उसने किसी के साथ उसको डिस्कस नहीं किया। अभी इसका इलाज क्या है? मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि मुझे इंटरनली चैलेंज को ओवरकम करना है तो मुझे एक चीज को करना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहली चीज तो अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग रेगुलर करते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैंने रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी। किसी भी तरह की ट्रेनिंग होती थी मैं जाके बैठ जाता था, मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, मैं अकेला होता था तब भी मैं उन मीटिंग्स को अटेंड करने लग गया। मैं जाता था गाड़ी लेके, स्कूटर लेके, क्योंकि इन दिनों गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो स्कूटर लेके जाना मैंने और ऑफिस में जाके बैठ के मीटिंग अटेंड करके आ जाना। वहां पर लोगों के गेस्ट बैठे होते थे लेकिन मेरे साथ कोई गेस्ट नहीं होता था। लेकिन मुझे क्या मिला? मेरा जो बिलीफ सिस्टम था, मेरा जो अंदर से मेरे को जो चीजें तोड़ती थी, जो मुझे परेशान करती थी, मीटिंग लोगों से मिलता था, बहुत सारे लोग मैनेजर आते थे और मैं उनकी तरफ देखता था, उनको, उनसे बातचीत करता था, उनके बैचेस लगे होते थे और उनको जब मैं बातचीत करता था तो एक होप मेरे अंदर पैदा होती थी कि यार आजाद ऐसा है, अगर ये सक्सेस हो सकता है तो तू भी हो सकता है, अगर ये पर्सन यहाँ पे मैनेजर बन सकता है, अगर लाख रुपए महीने का ले सकता है तो दोस्त तेरा भी आ सकता है। तो यहां से मुझे होप मिलनी शुरू हो गई। यानी कि मैसेज क्या है? सबसे पहली चीज, अगर आप इंटरनली जो चैलेंजेस आते हैं इनसे आप फाइट करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने बिलीफ सिस्टम को आपने आगे बढ़ाना है। अपने बिलीफ सिस्टम को आप कैसे बढ़ाएंगे? जब तक आप ऐसी मीटिंग्स में आते रहेंगे, जब तक आप इस मीटिंग में आते रहेंगे, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। आपके ऊपर ऐसी जो, जिसे हम कहते हैं ना कि ये गलत तरह की जो माइंड में बातें आती हैं वो आपके माइंड से वॉश होती चली जाएंगी। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो शुरुआती दौर में होते हैं, उनके मन में ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो दोस्तों इससे निकलना है तो आपको हर तरह की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अब ट्रेनिंग भी अटेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि भगवान ने मुझे दो कान दे रखे हैं, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। बहुत सारे लोग हैं इस रूम में भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, लेकिन इस रूम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको पूरा प्रोफेशनली सुन रहे होंगे, इसके नोट्स बना रहे होंगे, इसको प्रॉपर ढंग से ले रहे होंगे, जैसे कि एक बहुत बड़े हॉल में बैठ के एक स्पीकर जब स्पीच देता है उसके नोट्स बनाता है। दोस्तों जिंदगी में याद रखिएगा,
बहुत सारी बातें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, बहुत सारी बातों में से एक बात आपके ऊपर इफेक्ट करती है और आपकी जिंदगी को वो चेंज कर सकती है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसी मीटिंग्स में आना है तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, आपके पास नोट्स बनने होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर दिमाग को चोट लग जाए दिमाग खराब हो सकता है, भूल सकता है, लेकिन लिखी हुई जो चीज है वो कभी मिट नहीं सकती, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाती है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने सब तरह के नोट्स बनाने शुरू किए, मेरे पास आज भी वो डायरीज पड़ी है। मैंने इन 2 महीनों में मैंने बहुत सारी चीजें जो पुरानी थी मैंने निकाल के देखी, तो मुझे याद आया कि 15 साल पहले 14 साल पहले की मेरे पास डायरीज निकली और वहां पर मैंने नोट्स बना रखे थे। जब भी पीपीटी चलती थी तो मैं फटाफट से उसके नोट्स बना लेता था और उसी की वजह से मैं अपने आप को बढ़ाता चला गया, अपने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से इस बिजनेस में स्टेबल होता चला गया। एक तरफ से नेगेटिव आता था, बाहर जाता था, लोगों से मिलता था, नेगेटिविटी आती थी, लेकिन मीटिंग में आता था तो पॉजिटिविटी आती थी, और इस तरह से फाइट करते 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 1 साल के बाद मैं मैनेजर बन गया दोस्तों। और जब मैनेजर बना तो दोस्तों मैं अक्सर एक बात बोला करता हूं कि जो इंसान है वो धरती से 5 फीट ऊपर चलना शुरू कर देता है, यानी कि बहुत इंजॉय करना शुरू करता है। इसके भी 2 मतलब है। 5 फीट ऊपर चलने का मतलब मेरा एक है कि हम बहुत ज्यादा इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग 5 फीट ऊपर यानी कि हवा में ही आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं। तो कॉलर खड़ा नहीं होना चाहिए, अपने आप को जमीन से जोड़ के रखना है, अपने आप को एजुकेट करते रहना है। कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं मिलेगा जो सक्सेसफुल हुआ हो, जिसने अपने आप को अपडेट ना किया हो, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट करता है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो नए जो इन्वेंशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ना चलते। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जो आज भी इंजेक्शन को उबाल उबाल के इंजेक्शन लगाता हो लोगों को? नो, है ना। तो अभी ये जो वक्त है, हर व्यक्ति को अपने आप को अपग्रेड करने का वक्त है दोस्तों। कई बार इंसान के अंदर एक चीज आ जाती है कि मुझे तो सब कुछ आ गया, समझ लो कि वो अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही अपनी आदत को बना लीजिए। अगर आप मैनेजर हैं, चाहे आप सोरिंग हैं, चाहे आप सीनियर हैं, चाहे आप किसी भी स्लैब पे हैं, अपने आप को सिखाते रहिए। और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस आए उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, ये तो इंटरनल, इसको तो आप बिलीफ सिस्टम से आप उठा लेंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, अपलाइन से काउंसलिंग करेंगे। वो हूँ मैं, बीच में से समय कैसे निकालूं? मैं समय नहीं निकाल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। ये एक्सटर्नल चैलेंज आ गए, है ना। ये अलग तरह के चैलेंज है जो कि बाहर से हमें फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा और क्या है, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इनको ओवरकम कैसे करना है, इन चैलेंजेस से आप कैसे फाइट करेंगे? आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको समय निकालना है, तो समय कैसे निकलता है? याद रखिएगा, जब भी जिंदगी में कोई काम की प्रायोरिटी सेट हो जाती है तो दोस्तों समय निकलना शुरू हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, आप बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इतने में आपको एक फोन आया, आपका एक बड़ा अजीज पर्सन था, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चोट नहीं लगी लेकिन एक्सीडेंट हो गया। आपके अंदर एकदम से क्या आया, ओ यार जाना पड़ेगा। अभी आपकी प्रायोरिटी एकदम से सेट अलग हो गई। अब आप कहां गए, अब आप उसको देखने के लिए हॉस्पिटल चले। कहने का भाव क्या है, जब तक हम इस बिजनेस की प्रायोरिटी को सेट नहीं करेंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं जॉब को या अपने उस काम को नंबर 1 पे रखूं और इसको मैं नंबर 4 पे रखूं, 4 पे इसलिए बोल रहा हूं, हम बीच में भी और बहुत सारी चीजें जोड़ देते हैं, तो दोस्तों यहां पे सक्सेस मिलने वाली नहीं। मैं प्रैक्टिकल बोल देता हूं, जिस बिजनेस से आपको लाखों रुपए आने हैं, जिस बिजनेस में 10-10 करोड़ रुपए के लोग चेक लेते हैं, वो आम काम नहीं हो सकता। तो ये बड़ा बिजनेस हुआ या छोटा बिजनेस हुआ, अगर ये बड़ा बिजनेस है तो दोस्तों बड़े बिजनेस के लिए आपकी प्लानिंग भी बड़ी होनी चाहिए। इस बिजनेस में आके अक्सर बहुत सारे लोग फेलियर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इस बिजनेस को बड़ा आम बिजनेस लेके चलते हैं, इतना आम लेके चलते हैं कि अपनी जॉब से भी इसको बहुत ज्यादा नीचे रख के चलते हैं कि ये तो अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ना सही। लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। आपके खर्चे जो है वो बढ़ जाएंगे, मुझे मालूम है। आपका फोन का बिल बढ़ जाएगा, आपका हो सकता है वाईफाई लगाना पड़ जाए, आपको हो सकता है पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाए, लेकिन खर्चा बढ़ेगा तभी इनकम आएगी। दोस्तों याद रखिएगा, पैसा कभी बचत करके अमीर नहीं बन सकता इंसान, पैसा हमेशा कमा के ही इंसान जो है अमीर बन सकता है।
सो यहाँ पे आपकी ये जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, एक साल के बाद जब आप मैनेजर बन जाते हैं या जब भी आप मैनेजर बनते हैं, तो दोस्तों ये आपके उन खर्चों को ऐसे कवर कर जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता। जैसे मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ, बरसात का मौसम जब आता है तो बहुत सारी गंदगी को बहा के ले जाता है। सेम टू सेम जितने भी खर्चे आपने किए होते हैं छोटे मोटे, जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं वो सारे के सारे खर्चे एक दो चेक में ही पूरे हो जाते हैं आपके, और उसके बाद तो आपकी इनकम ही इनकम आनी शुरू हो जाती है। लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेग पुलिंग करेंगे, आ गया वो देखो एलोवेरा आ गया, यानी ऐसी ऐसी मजाक। लोग क्या चाहते हैं कि आप जिंदगी में काम ना करो, उनके साथ आप खड़े रहो, उनके साथ गॉसिप करते रहो, उनके अकॉर्डिंगली काम करते रहो, क्योंकि दुनिया बेसिकली भीड़ का हिस्सा है। जो भी दुनिया से अलग काम करना शुरू करता है, लोग उसको हमेशा खींचते हैं, उसको खींचने की कोशिश करते हैं कि यार ये हमारे से अलग काम क्यों कर रहा है ना। तो उसको, उससे हमें बचना है। वो तभी हो पाएगा जब आपका बिलीफ सिस्टम होगा, जब आपका विजन क्लियर होगा, जब आपकी वाई क्लियर होगी, जब आपको आपको फेथ होगा कि यस कंपनी सॉलिड है, मेरी अपलाइन सॉलिड है, मैं सॉलिड हूं, मेरा सिस्टम सॉलिड है, तो मैं अब यहाँ पे सक्सेस हो सकता हूं। इसके अलावा आप 2-4-5 लोगों को जोड़ोगे, 10-20 लोगों की टीम बन जाएगी, उसमें से कुछ लोग ईगो की वजह से छोड़ जाएंगे, कुछ लोग ये सोच के छोड़ जाएंगे कि यार इसको मेरी वजह से कहीं कुछ फायदा हो रहा है, मेरी वजह से इसको शायद इनकम आ रही है, कुछ लोग इसी वजह से अपने घर को आग लगा देते हैं कि यार पड़ोसी का घर जो है वो जल जाए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे आपके लोग आपके पास मिलेंगे, क्विट करके जाएंगे, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ उन लोगों की तरफ देखना है जो यहाँ पे सक्सेस हुए हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को ये गिलास खाली दिखाई देगा और कुछ लोगों को ये गिलास भरा हुआ दिखाई देगा। तो जो खाली देखने वाले हैं ना, उनको हमेशा खाली दिखता है, हर चीज में उनके पास नेगेटिविटी है। आज भी इस दौर में वो नेगेटिव चीजों को सर्च कर रहे हैं, वो सर काम कैसे करें, लोगों से मिलने कैसे जाएं। अरे क्या जरूरत है मिलने की भाई, आप सिस्टम को यूज कीजिए, आप इस मीडिया को यूज कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर आ चुकी हैं। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसके पास ऑर्डर आ गया कोई 25 किलोमीटर दूर से कि भैया मुझे ना एक टूथपेस्ट चाहिए। अब वो बेचारा क्या सोच रहा है कि यार एक पेस्ट देने के लिए जाऊंगा तो मेरा कम से कम 100 रुपए का तो तेल लग जाएगा। कैलकुलेशन जब यहां से करनी शुरू कर दोगे, बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस यहां से चलेगा। आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, मुझे उसे एक पेस्ट पहुंचाने जाना चाहिए वो 50 किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि जब आपकी टीम में 100 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, और वो भी एक एक पेस्ट अगर 50 किलोमीटर दूर देने जाएंगे तो कितने पेस्ट निकल जाएंगे। वैसे ऐसे होता नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं एक पेस्ट का ऑर्डर देने गया था और वहां से मैं 14,000 रुपए का और ऑर्डर देके आया साथ। ये हमारा बिजनेस इस तरह का है। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये शुरुआती दौर के चैलेंजेस हैं। तो इससे आपने घबराना नहीं है, इससे टेंशन ही लेनी, इसको आपने ओवरकम करना है। ओवरकम तब होगा जब आपका बिलीफ होगा, जब आपकी वाई होगी, जब आपको आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, जब किसी चीज के पीछे आपका आपका माइंड काम कर रहा है, आपको सक्सेस नजर आ रही है। आप एक मकान बनाना शुरू करते हो तो आपको पहले उसको विजुलाइज कर लेते हो, है ना, आप विजुलाइज कर लेते हो उसको, यार ये मकान जब बनेगा इस तरह का बनेगा, ऐसा यहाँ पे सोफा लगेगा, ऐसा यहाँ पे मेरा किचन होगा, यहाँ पे ऐसे मेरे बेडरूम्स होंगे, वहां पर ये सब चीजें विजुलाइज कर लेते हो। और फिर जब आप उसको बनाना शुरू करते हो तो मिट्टी से मिट्टी हो जाती है, कपड़े भी गंदे होते हैं, चोट भी लग जाती है, पता लगता है कि आप अंदर जा रहे थे ऊपर से ईंट गिर गई, है ना। तो इस तरह से चैलेंज वहां पर आए, लेकिन जब वो मकान बन के तैयार हो गया तो उसके बाद एंजॉय सारी जिंदगी हम करते हैं उसको। तो सेम टू सेम शुरुआती दौर में आपको ये चैलेंजेस आएंगे दोस्तों। और अब मैं आपसे एक बात करता हूं जो कि बड़ी ही प्रैक्टिकल बात है दोस्तों। आज का जो दौर है, अब हम आज के दौर की बात करेंगे, आज के दौर में मैं चैलेंज करता हूं इस रूम में, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है। इसको, मेरी बात को आप चाहे लाइटली लें, चाहे आप सीरियसली लें, कोई चॉइस नहीं है। आज आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को टाटा बाय बाय कह दिया है, बोल दिया कि हम आपको बाहर निकाल रहे हैं, दैट्स ऑल, घर में बैठिए चाहे जो मर्जी कीजिए। गवर्नमेंट कह रही है कि उनको पे दीजिए, लेकिन जब उनके पास इनकम नहीं आएगी तो पे कहां से मिलेगी। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको बोल दिया गया है कि सर अगले महीने से आपने आना नहीं। यहां तक कि किसी की तनख्वाह 30,000 रुपए थी तो उसको सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, 5-7-10,000 रुपए मिला, और उसको बोला गया कि इसी से आपने अपना खर्चा चलाना। कब तक चलेगा ऐसे?
आज मैं आपको बताऊं, मैं नीचे अपनी गाड़ी के पास गया तो एक मेरे मित्र हैं, वो सामान शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बात हो गई, शिफ्ट कर रहे हो? कहते जी मेरा आईटी का काम है, अब यहाँ से तो मेरा काम बंद हो गया, तो मेरे को बोला गया है कि आप 50% एम्प्लॉय से काम चलाइए। कहते मेरा 50% एम्प्लॉय से काम चल नहीं सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं रेंट दे रहा हूँ, रेंट मेरा काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस काम को ही क्विट करना पड़ेगा। अब उसने क्विट किया, उसके साथ कितने लोगों की जॉब जो है वो चली गई। दोस्तों अलग अलग सेक्टर में बहुत सारी जॉब जो है वो जा चुकी है। इसके अलावा आप देखिए, आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ कितने लोग जुड़े हुए थे। जब एक टूरिस्ट दिल्ली से निकलता है शिमला के लिए या कुल्लू के लिए, दोस्तों वो 30-40-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए जेब में डाल के निकलता है कि ये मुझे खर्च करके आना है। रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ शॉपिंग करता है, कहीं ना कहीं कुछ चिप्स लेता है, कुछ और खर्चे करता है, और वो जाते जाते और आते आते उस 1 लाख रुपए को खर्च करके आता है। उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है, इमेजिन कीजिए कितने लोगों का रोजगार जो है वो अफेक्टेड हो रखा है। और अभी आप देखिए कि हॉस्पिटैलिटी कितनी जुड़ी हुई थी उसके साथ, जितने भी होटल्स थे वहां पर कितने एम्प्लॉयज थे। आप देखिए कि बड़े बड़े होटल्स, यहाँ पे हमारे एक 5-स्टार होटल है रेडिसन, तो रेडिसन मेरे बिल्कुल वहां से जब मैं क्रॉस करता हूँ तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, गुप्त पड़ा हुआ है, 3 महीने से बंद पड़ा है। आप देखिए कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितना बड़ा प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और कितने सारे एम्प्लॉयज वहां से क्विट कर चुके, निकाल चुके हैं। क्विट कहाँ से किया है, उनको निकाल दिया गया। हॉस्पिटैलिटी, मैं एक होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये सारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है। इसके अलावा आप देखिए, जो लोग इवेंट क्रिएट करते थे, इवेंट्स करते थे, बड़े बड़े इवेंट्स करते थे जहां पर 500-500, 1000-1000, 10-10 हज़ार लोग आते थे, और उन इवेंट्स को आके वो एंजॉय करते थे उसमें, मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट हमें ये परमिशन देगी। शादी के लिए भी अभी सिर्फ, और शादी जो कि बहुत जरूरी एक हमारा फंक्शन होता है, उसके लिए सिर्फ 50 लोगों की परमिशन मिली है, सिर्फ 50 लोग वहां पे जा सकते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी मुश्किल से 20 लोगों की परमिशन मिली है। आप देखिए क्या हमें परमिशन मिल जाएगी कि 5-5, 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे मीटिंग या ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके? नो। रेस्टोरेंट में जाते थे, कितना एंजॉय करते थे हम, जाके फटाफट से ऑर्डर दे, फटाफट से खाया और निकल लिए। आज आप जाके देखिए रेस्टोरेंट्स का हाल, देखिए वहां पर बैठे कितने लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, वहां के मैनेजर्स जो है वो सड़क पे आ चुके। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ किसी तरह से, मैं आपको सिर्फ एक सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। दोस्तों कहते हैं कबूतर जो है ना वो बिल्ली को जब आता हुआ देखता है ना तो आंखें बंद कर लेता है और बिल्ली उसको आके दबोच लेती है। या तो हम उस कबूतर की तरह बन जाए कि ठीक है यार, जो हो रहा है होता रहेगा, हो जाएगा, या फिर हम किसी सोल्यूशन की बात करें। मैं बात करूंगा लॉजिक के साथ, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, उसमें भी फॉरएवर लिविंग आपको क्यों करनी चाहिए। दोस्तों आज से पहले, अगर मैं बात करूं कोरोना से पहले या इससे पहले भी, हम आम बिजनेसेस से बहुत ज्यादा आगे थे। आम बिजनेस तब भी हमारा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, और आज तो हम वैसे ही उनसे एक कदम आगे हो चुके हैं। इमेजिन आप देखिए, कोई शॉप, कोई मॉल खोलना हो, कोई एक शॉप खोलनी हो तो वहां पर उसे फिजिकली जाना पड़ेगा, वहां पर उसको इम्प्लॉयज जो है वो रखने पड़ेंगे, वहां पर वो स्टॉक रखेगा, उसको मेंटेन करेगा, उसको टेंशन होगी कि ये स्टॉक मेरे पास पीछे से आना चाहिए। आज आप घर से बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्या आपको टेंशन है कि ये स्टॉक आएगा कि नहीं? हम तो सिर्फ एक ईमेल लिख देते हैं कंपनी को कि सर मेरा कोरियर नहीं आया, और दूसरे दिन हमें मेल आ जाती है कि सर ये आपका डॉकेट नंबर है, आप इसे ट्रेस कर सकते हैं। क्या हमारी टेंशन है? नो। क्या हमारी टेंशन है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो ऑफिसेज है उसका कौन देगा? नो। क्या इंप्लॉयज को पे देनी है? नो। घर से बैठे हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, हुआ कि नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस? क्या हमने यहाँ पर लाखों रुपया लगाया? नो। जितने भी बिजनेसेस हैं वहां पर लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं, और उसका भी चलेगा या नहीं चलेगा गॉड नोज, हमें पता नहीं है। वाई फॉरएवर, सबसे बड़ा लॉजिक है ये। आज आप घर पे बैठे बैठे किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपके साथ कोई भी इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप अब तो कंपनी ने कितना इजी कर दिया कि अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो भी आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आगे किसी को भी स्पॉन्सर करना शुरू कर सकता है। आप देखिए, आपने किसी का 2 CC करवाया और उसके बाद उसके घर में क्या आप सामान देने गए, या आपने उसको बुलाया कि आप ऑफिस से ले जाओ? जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन कंपनी को ऑर्डर दिया, कंपनी ने वो प्रोडक्ट उसके घर में भेज दिया, और आपके घर में उसकी खरीदारी का कमीशन आ गया।
ऐसे ही आपके 50 लोग हो गए, 50 लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया, आपकी जो टर्नओवर है वो लाखों रुपए में होनी शुरू हो। क्या आपने कोई शॉप खोली? क्या आप किसी के घर में गए? जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन आप जूम पे किसी को भी बुलाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको मीटिंग दीजिए, और इतने बढ़िया तरीके से आप घर पे बैठे काम कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ? कोरोना का फायदा बहुत हुआ। आपका खर्चा बच गया, आपकी गाड़ी चलनी बंद हो गई, आपके टायर घिसने बंद हो गए। जिन लोगों ने ऑफिस ले रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑफिस फिट कर दिया, और मेरे पास भी ऑफिस है, मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि इसको फिट कर दूं। खर्चा बचना शुरू हो गया है ना। आपकी सेहत सबसे बड़ी बात है, वो अब कितनी ज्यादा सुधर जाएगी। हम जब बाहर जाते थे तो कोई पैटीज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई भूखे रह रहा है, घर का खाना खा रहे हो, घर में बैठे बिजनेस कर रहे हो, कितना सुकून मिल गया। आपका लीगल कोई टेंशन नहीं है, कोई लीगल टेंशन नहीं आपकी कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे आना है, यूएसए से प्रोडक्ट इंडिया में कैसे आएगा। हमारी बात हुई थी मैनेजमेंट से, वो कहते हैं जी हमने जो परमिशन है वो ले रखी है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है तो हम उसको बाय एयर भी इंडिया में मंगवा सकते हैं। कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा का स्टॉक जो है अभी मेंटेन है, कोई टेंशन नहीं है। हमारी कोई टेंशन है क्या? उसको कैसे पास करवाना है, उसको किस तरह से लेके आना है? नो टेंशन। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक सोच रखनी है कि हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। दोस्तों, हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, कितनी बड़ी बात है। आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, आप लोगों के लिए एक जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, काम प्रोवाइड कर रहे हो। कितना पुण्य का काम आप कर रहे हो, सोच के देखिए एक बार, इमेजिन करके देखिए। आपकी वजह से किसी के घर में अगर 4 पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो कितना बड़ा पुण्य का काम आपने किया। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको विचार करके देखिए, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आपको अपने आप को चेंज करना है। अगर हमने चेंज नहीं किया तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि हम पिछड़ गए, फिर हम इस दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दो तरह के लोग होंगे जो इस समय अपने आप को निखार के बाहर ले आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पुराने ही ढर्रे पे चलते रहेंगे, पुराने ही तरीके से चलते रहेंगे। वो कहेंगे मैं तो अम्बेसडर में ही चलूंगा भाई, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है। अम्बेसडर ने चेंज नहीं किया, मार्केट से चेंज हो गई, साफ हो गई। फिएट ने चेंज नहीं किया, दुनिया की बेस्ट कार में कारों में से एक होती थी, आज मार्केट में फिएट सिर्फ और सिर्फ पुरानी चलती हुई मिलती है जो 5,000 रुपए में आपको कबाड़ी से मिल जाएगी। किस वजह से? नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, लीड कर रहा था, वो खत्म हो गया। तो दोस्तों ये जो टाइम है, ये चेंज होने का टाइम है, ये चेंज करने का वक्त है। जो लोग अपने आप को चेंज कर जाएंगे वो इस दौर में बच जाएंगे, और जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो दोस्तों उसको वक्त जबरदस्ती उसको चेंज करवाएगा। तो जबरदस्ती होना चेंज अच्छा है या खुद को खुद ही चेंज कर लेना अच्छा है? खुद को चेंज करना अच्छा है। मुझे मालूम है बड़ा टफ होता है, चेंज लाना सबसे टफेस्ट काम है, सबसे टफेस्ट काम है। किसी को सलाह देना सबसे इजी काम, सबसे इजी काम है, मुझे मालूम है। सुबह वॉक करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब निकलना पड़ता है तो लोग छोड़ यार कल करता हूं, परसों जाता हूं, फिर करता हूं शुरू यार, फिर देखता हूं। सिगरेट, सब बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं है ना, तो यार आज लास्ट बार, बस कल से छोड़ रहा हूं। चेंज होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग नहीं होंगे समझ लीजिए कि उनका दौर जो है वो सुधरने वाला नहीं है। तो हमें किस तरह की चेंजेस लेके आनी? सबसे पहली चीज, हमें अपने अंदर जो ईगो है उस ईगो को किल करना है। ईगो कौन सी है यार? मैं, मुझे अब सिखाना पड़ेगा, मैं अब कंप्यूटर चलाऊं, मैं एक बच्चे को बोलूं कि यार तू मुझे सिखा? ईगो है ना। सीखने वाला इंसान कहीं से भी सीख लेता है, और बहुत सारे लोग ईगो की वजह से सीख नहीं पाते। अब मेरी उम्र हो गई है ना, अब मैं सीखने बैठूंगा, मुझे जरूरत नहीं है ना। ये फेसबुक ये क्या होती है, ये यूट्यूब क्या होती है? दोस्तों आज की तारीख में आपका बिजनेस आपके हाथ में है, तो उसमें हमें क्या करना है? हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना चाहिए। अगर आपने नहीं सीखा है तो सीखिए, नहीं तो मजबूरी बन जाएगी आपकी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं कैसे सीखूं? सीखो मेरे भाई, कोई च्वाइस नहीं है। अगर बिजनेस में स्टेबल करना है, रहना है, अगर आप 5 लाख रुपए महीने का चाहते हो, सीखना पड़ेगा, कोई च्वाइस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं ईमेल नहीं कर सकता, तो करना सीखो, च्वाइस नहीं है। मैं चैटिंग नहीं कर सकता, सीखो सर, कोई च्वाइस नहीं है। बिजनेस में मैं चैलेंज करता हूं, इस रूम में बहुत सारे साथी बैठे हैं, अगर मैं किसी को पूछ लूं कि सर ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं आती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे,
उनसे अगर बोल दिया जाए कि सर आप आज अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑफिस में जाना है आपको, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपॉइंटमेंट लेनी नहीं आएगी। सीखिए सर, सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है, एलो स्टोर तक कैसे जाना है। दो दो साल हो चुके होंगे, एक एक साल हो चुके होंगे, इस रूम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं आता होगा। ट्रेनिंग रेगुलर ले रहे हैं, सुन रेगुलर रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे दोस्तों, नहीं चलने वाला। अगर आपने ये सुधार नहीं किए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप पिछड़ जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो सीखेंगे वही आप आगे सिखा पाएंगे। अगर मेरी जेब में 100 रुपया है तो मैं आपको 100 रुपया ही दे सकता हूं, 200 रुपया नहीं दे सकता। पोस्टर कैसे बनाना है, फ्लायर्स कैसे बनाने हैं, पोस्ट कैसे करनी है, एड कैसे डालनी है, किस पर्सन के साथ किस तरह से बात करनी है, ये सब नया दौर आ चुका है। अगर हम इस नए दौर में खुद को नहीं ढालेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि हम पिछड़ जाएंगे। कितने लोग हैं जो पिछड़ना चाहते हैं, अपने आप से पूछ के देखिए। अगर नहीं पिछड़ना चाहते तो दोस्तों सीखना आज से ही शुरू कर दीजिए। किसी को भी गुरु बना लीजिए, किसी को भी अपना मेंटर बना लीजिए, अपलाइन से अपने काउंसलिंग कीजिए कि सर मुझे सिखाइए। उसके बाद जितना आता है वो आपको सिखाएगा, वो आपके ऊपर टाइम लगाएगा। दोस्तों ये वो बिजनेस है जो एक दूसरे की हेल्प करने वाला बिजनेस है। आज मार्केट में चले जाइए, किसी भी बिजनेस के बारे में बात कर लीजिए, वो सब ये बोलते हैं सर मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, तू मेरे साथ दुकान क्यों खोल रहा है, तेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, मेरी भी बंद होने वाली है। लेकिन ये वो बिजनेस है जहां पर आपको हर वो कला, हर वो बात सिखाने की कोशिश करता है स्पीकर जो उसके अंदर होती है।